आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड इन ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमें बताना है, ये जो हमें 7 कैरेक्टर्स दे के रखे हैं, इन 7 कैरेक्टर्स में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो हम ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते किसी ऑर्गेनिज्म के। तो हम अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स एक एक करके। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा सेल्स आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो हमारा सेल है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसमें अब्सेंट होगा। और यूकैरियोटिक होगा तो उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड, मीन्स न्यूक्लियस की अपनी एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होगी। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। अगर उसमें न्यूक्लियस है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा तो वो होगा प्रोकैरियोटिक, अगर मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो यूकैरियोटिक। सेकंड कैरेक्टर, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमें सेकंड कैरेक्टर देख के रखा है माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग या सब ग्रुपिंग की जा सकती है या नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर ऑफ द सेल, जिसका काम क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना। जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारा जो कैरेक्टर दे रखा है हमें वो है नंबर ऑफ सेल्स, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स प्रेजेंट हैं। सेल्स के बेसिस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो होता है यूनिसेल्युलर और दूसरा होता है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो यूनिसम को पता है सिंगल होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर, और अगर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे तो मल्टीसेल्युलर। तो इस नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कर सकते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो अपना खाना कैसे ले सकते हैं। न्यूट्रिशन के बेसिस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हिटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक एंड हिटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, और हिटरोट्रॉपिक जो खाने के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। फिफ्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेनली 4 होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। सिक्स कैरेक्टर,
कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, नॉक्टर्नल है या डायर्नल है। नॉक्टर्नल मीन्स जो कि एक्टिव होता है नाइट में, और डायर्नल मीन्स जो एक्टिव होता है डे में। फॉर एग्जाम्पल, डायर्नल में सारे मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल जो कि क्या होते हैं, डे के टाइम एक्टिव होते हैं, और नॉक्टर्नल मीन्स जो नाइट में एक्टिव होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आउल। तो इस बेसिस पे, एक्टिवनेस के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लास्ट है हमारा ओविपेरस एंड वीविपेरस। ओविपेरस एनिमल या ऑर्गेनिज्म वो जो क्या करते हैं, विच ले एग्स। और वीविपेरस एनिमल वो एनिमल्स जो कि अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, इन सब के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को सब ग्रुपिंग और ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दिस। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा भी कैरेक्टर नहीं है कि जिसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्लासीफाई करने के लिए सब ग्रुपिंग और ग्रुपिंग में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।